हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो लिंक नीचे लिखा हुआ है, इस लिंक के ज़रिए आप मेरे चैनल तक डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। दोस्तों, तो आज जो है हम लोग आज कुछ एक खास चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि है, देखिए क्लास 10 का है, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश है और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो बुक है, ठीक है, उसी बुक का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। यानी कि इसका मतलब क्या होता है हम लोग भी पढ़ेंगे, सिंप्लीफाइड बाय राजेश कुमार, कीप लर्निंग ऑनलाइन। तो दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ते रहें, सीखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसका मतलब होता है एक वैज्ञानिक का निर्माण, ठीक है। एक वैज्ञानिक का निर्माण दोस्तों ऐसे नहीं होता है। वैज्ञानिक आप जानते हैं कि उसके पास कितना ज़्यादा दिमाग होता है, तो एक वैज्ञानिक का निर्माण ऐसे ही साधारण तरीके से नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा उसके लिए क्षमता उसके पास होना पड़ता है, तब वो जा करके वैज्ञानिक बनता है कोई व्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे इसको, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं। रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सर स्कूल अवार्ड एंड द सीरिंग प्लफ अवार्ड फॉर बायो केमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि रिचर्ड एब्राइट जो है, ठीक है, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, बहुत ही खास व्यक्ति हैं ये, एक वैज्ञानिक है, और इस व्यक्ति के द्वारा देखिए कुछ अवार्ड प्राप्त किया गया है, जो कि देखिए सेरल, देखिए सेरल स्कॉलर अवार्ड, यानी कि छात्रवृत्ति एक तरह का दोस्तों ये, ठीक है, एक तरह का छात्रवृत्ति उनको प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही खास है। तो देखने वाला बात यह है कि इनको एक और भी अवार्ड मिला है, और देखिए वो अवार्ड कौन सा है, देखिए सेरिंग प्लफ अवार्ड है, सेरिंग प्लफ अवार्ड, यानी कि ये जो अवार्ड है ये भी एक तरह का अवार्ड ही है उसके लिए। और देखिए किस चीज़ के लिए मिला है, तो देखिए बायोकेमिस्ट्री के लिए मिला, यानी कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के लिए, और मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी कि मोलिकुलर बायोलॉजी का मतलब, देखिए बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए, यानी कि रसायन विज्ञान के लिए और, ठीक है, जीव विज्ञान के लिए, दोनों के लिए इनको अवार्ड मिला है। इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, ठीक है। ये जो था, ये जो इनको जो अवार्ड मिला, इतना सारा अवार्ड मिलने का कारण ये था कि उनको आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता था, किस चीज़ के लिए, बटरफ्लाइज के लिए, यानी कि बटरफ्लाइज देखने के बाद, बटरफ्लाइज का मतलब होता है तितली, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तितली, तितली जो होती थी उनको देख करके, ठीक है, इनका ये रिचर्ड एब्राइट जो है, इनका मन पूरा भटक जाता था, उसी की तरफ चला जाता था, और वो उनके बारे में, वो उन बटरफ्लाइज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते थे। तो उनके पास इतना ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुआ कि वो जो है एक बहुत ही फेमस व्यक्ति बन गए, और वो अवार्ड भी बहुत सारा सरकार के द्वारा प्राप्त किए। तो दोस्तों, हम लोग इसका मेन स्टोरी पे आते हैं। एट द एज ऑफ द 22, 22 साल का उम्र में, ठीक है, ये फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क। देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि 22 साल का उम्र का एक, ठीक है, फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल का एक सबसे बेहतरीन सा स्टूडेंट, ठीक है, जो कि उत्साहित है, एक्साइटेड है, मतलब कि उत्साहित है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो साइंटिफिक वर्ल्ड, यानी कि साइंटिफिक, यानी कि पूरी वैज्ञानिक दुनिया के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके पास आज एक न्यू थ्योरी है। किस चीज़ के लिए थ्योरी है, तो देखिए वो थ्योरी किस चीज़ के लिए है, वो एक बहुत ही खास थ्योरी है, हाउ सेल वर्क्स। देखिए हाउ सेल्स वर्क, यानी कि कैसे कोशिकाएं काम करती है। हमारे शरीर का निर्माण जो है आप जानते हैं कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा शरीर में कैसे काम किया जाता है, इसी चीज़ का थ्योरी था। थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत होना, ठीक है, तो देखिए ये थ्योरी का मतलब सिद्धांत होना है, यानी कि इनके पास एक न्यू सिद्धांत था, एक नया सिद्धांत था, ठीक है। और देखिए रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन द आर्टिकल इन हिज प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस। देखिए क्या है कि रिचर्ड एच एब्राइट, यानी कि रिचर्ड एब्राइट जो है वो और उसका एक कॉलेज का दोस्त है, ठीक है, जो रूममेट भी है उसका, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके, ठीक है, इस सिद्धांत को, यानी कि कोशिकाएं कैसे काम करती है, इस सिद्धांत को, ठीक है, आर्टिकल के रूप में छापा। कहाँ का आर्टिकल, तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इस जगह का जो आर्टिकल होता है, वहाँ का आर्टिकल निकलता है हर जगह, जिस तरह से मैगजीन वगैरह निकलता है, तो उसी तरह का मैगजीन वगैरह जो था, उस मैगजीन में इन लोगों ने अपना आर्टिकल को छापा कि कैसे कोशिकाएं काम करती हैं। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट, देखिए दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स। देखिए क्या कहता है कि यह पहली बार था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, ठीक है दोस्तों, कि किसी स्टूडेंट के द्वारा, जो ये सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा जो कारनामा किया गया था, जो नई खोज की गई थी, ठीक है, वो साइंटिफिक जर्नल में उसको छापा गया। यानी कि ये पहली बार था जब साइंटिफिक जर्नल, यानी कि वैज्ञानिक जर्नल, जिसमें वैज्ञानिक लोग अपने अपने खोजों के बारे में लिखते हैं, जिस किताब में, उस किताब में, ठीक है, इन स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया खोज को, ठीक है, उसके ऊपर लिखा गया।
इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। देखिए क्या कहता है दोस्तों कि पहली बार, कई बार ऐसा होता है कि 15 साल का कोई बच्चा होता है तो हो सकता है कि वो एक ही बार में अपना लीग बना ले क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है, बैट से छक्का वगैरह चौका वगैरह मार के पहली बार में हो सकता है कि वो एकदम आसानी से अपना स्थान प्राप्त कर ले और फेमस हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात कुछ और था। फॉर रिचर्ड एब्राइट, देखिए रिचर्ड एब्राइट के बारे में कहता है कि इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द अचीवमेंट इन द साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट इज स्टार्टेड विद ऑल, देखिए विद बटरफ्लाइज। देखिए दोस्तों कहता है कि कोई बच्चा जो है 15 साल का वो तुरंत अपना मतलब कि अपना अपने आप को फेमस कर सकता है, अपने आप सफल हो सकता है रन वगैरह बनाने में अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा तब जा करके ये अचीवमेंट्स प्राप्त किए, बहुत यानी कि साइंस से रिलेटेड अचीवमेंट्स बहुत सारे प्राप्त किए इन्होंने और साइंस के फील्ड में। और ये सारा शुरुआत कैसे हुआ, तो ये सारा देखिए बट इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, यानी कि तितलियों के साथ ही इनका काम शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो है अपना जो है फ्यूचर जो है शुरू करते हैं किस चीज़ के साथ, तो बटरफ्लाइज के साथ। देखिए एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप विद द नॉर्थ रीडिंग पेंसिल्वानिया, देयर वाज नथिंग मच आई कुड डू देयर, ही स्टिल देखिए ही सेड आई सर्टेनली कुड प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। देखिए क्या कहता है दोस्तों कि ये जो जब छोटे बच्चे थे एब्राइट जो ये जो रिचर्ड एब्राइट जो व्यक्ति है, ठीक है, जब वो छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो उनका देखिए वो जो जन्म उनका जो जन्म हुआ था पेंसिल्वानिया में हुआ था, ठीक है, ये जो जगह है, ठीक है, पेंसिल्वानिया जो जगह है यहाँ पर देखिए देर वॉज नथिंग मच, वहाँ पे कुछ खास नहीं था, आई कुड डू देयर, वहाँ पे कुछ खास था ही नहीं जिसे मैं कर सकता था। ठीक है, देखिए वह कहता है कि मैं वहाँ के लड़कों के साथ किसी टीम में फुटबॉल भी नहीं खेल सकता था और ना ही बेसबॉल खेल सकता था, ठीक है, किसी टीम के साथ वहाँ पे खेलने का कोई काम ही कर ही नहीं सकता था, बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स। देखिए क्या कहता है एब्राइट, एब्राइट कहता है कि ना ही मैं वहाँ के साथ पेंसिल्वानिया जो जगह है जहाँ पर वो पैदा हुए थे और वहीं पर वो उनका पालन पोषण हुआ, वहीं पर उनका मतलब पूरा पढ़ाई वगैरह चला, तो दोस्तों कहता है कि पेंसिल्वानिया में पैदा हुआ वहाँ पे तो कुछ खास करने को था नहीं, ना ही वहाँ के लड़कों के साथ वो क्रिकेट खेल सकता था, ना ही फुटबॉल, ना ही बेसबॉल, ये सब कुछ नहीं खेल सकता था, लेकिन वहाँ पर एक काम ये कर सकता था। देखिए क्या कर सकता था, कलेक्ट कर सकता था चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें उसे पसंद आए उन चीज़ों को जमा कर लेना, ठीक है, इसका ये शौक बन गया था क्योंकि यहाँ वहाँ पे तो कुछ खास करने को था नहीं, तो इसके द्वारा जितने भी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें मिलती थी वो सारी चीज़ों को ये क्या कर लेता था, अपने पास जमा कर लेता था। सो ही डीड एंड डीड ही एवर, देखिए बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि इसीलिए वह इसी तरह से करते रहा और बिगनिंग किंडरगार्टन से आने की यूकेजी एलकेजी का जो क्लास होता है वही किंडरगार्टन होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो किंडरगार्टन में जब थे वो, ठीक है, जब वो नीचे क्लास में पढ़ते थे तो एब्राइट जो थे ये क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, क्या कलेक्ट करते थे, तो बटरफ्लाइज को यानी कि तितलियों को कलेक्ट करते थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, एकदम बहुत ही जिद के साथ कि ये कुछ खास, इससे हम कुछ खास करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि देखिए वो क्या चीज़ को जमा करता था उस उम्र में, तो तितलियों को पकड़ पकड़ के जमा करता था, ठीक है। आगे देखिए ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, और इसके द्वारा कुछ रॉक्स भी चट्टानों को भी जमा करके रखा गया, यानी कि खास चट्टान है ये सारी जो हमारे घर तरफ जो इधर रहता है पत्थर, वो सारे पत्थर को नहीं कुछ खास पत्थरों को ही, ठीक है। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया कुछ खास तरह का, उसी तरह का कुछ खास, ठीक है, फॉसिल्स और कॉइन्स यानी कि सिक्के भी इसके द्वारा बहुत सारा जमा किया गया, यानी कि जमा करके रखा था ये। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वह एक भविष्यवक्ता व्यक्ति भी बन गया, एस्ट्रोनॉमर बन गया, ठीक है, या तो खगोलविद कह सकते हैं, ठीक है, वह एक खगोलविद भी बन गया। टू समाइम स्टार्ट गेजिंग ऑल नाइट, और कई बार ऐसा होता था कि पूरी रात भर वो स्टार गेजिंग करता था, स्टार गेजिंग का मतलब होता है तारों के ऊपर टुकुर टुकुर देखते रहना, समझ में आया दोस्तों। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, यानी कि खगोलविद बन गया वो। खगोलविद कौन होता है, तो खगोलविद वो होता है जो आकाशीय पिंड के बारे में जो जानकारी देता है, ठीक है, तो वो रात में कई बार ऐसा होता था कि रात भर वो देखते रह जाता था। अब देखिए क्या कहता है, आसमान में देखते रहता था। देखिए फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, शुरुआत में क्या था कि इसको मतलब कि कार चलाने का इसके अंदर शौक बहुत ज़्यादा था पूरा एकदम दिमाग से। ही ऑल्सो हैड
ए मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। ठीक है, ये इब्राइट जो था, ठीक है, उसकी एक माँ भी थी, जो माँ क्या करती थी, इनकरेज करती थी। इनकरेज मतलब कि उसका हौसला को बढ़ाती थी, ठीक है, कि तुम जो करना चाहता है बेटा तुम करो, ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है, तुम्हारा रुचि जो है वो मरना नहीं चाहिए, तुम बढ़िया से करो, जो भी चीज़ करेगा बढ़िया से करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। देखिए सी टू की मॉन ट्रिप्स, यानी कि उसकी माँ जो थी, ठीक है, इब्राइट को ट्रिप्स पर ले जाती थी। ट्रिप्स मतलब कि घूमने वाला जो टूर होता है दोस्तों, ठीक है, उस पर ले जाया करती थी। बाउट हिम टेलीस्कोप, और उसके लिए टेलीस्कोप भी खरीद दिया करती थी उसकी मम्मी, ठीक है, माइक्रोस्कोप भी खरीद दिया करती थी। माइक्रोस्कोप जानते हैं आप लोग, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी कि छोटे से छोटे चीज़ों को भी दिखाने वाला यंत्र। कैमरा भी खरीद के देती थी, ठीक है। और देखिए माउंटिंग मटेरियल्स, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हर हिम इन मैनी अदर वेज। इसी तरह से उसकी माँ जो थी उसको एकदम हर तरह से मदद करती थी, जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा मदद इसकी माँ करती थी इब्राइट को, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसी माँ मिले हर किसी को तो बात कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चा जो है बहुत आगे सच में बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी क्या होता है कि बच्चों को रोका जाता है कि ये नहीं खेलना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, एकदम तबाह हो जाता है, कोई बच्चा का फ्यूचर इससे खराब हो जाता है। बच्चों को बल्कि मदद करना चाहिए, वो जो कुछ करना चाहता है उसमें ही उसका मदद करना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है उसमें आगे बढ़े। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है। अब जो है इब्राइट कहते हैं, आई वॉज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। देखिए ये जो है इब्राइट, उसकी माँ कहती है कि ये लड़का का कंपेनियन यानी कि उसका दोस्त मैं ही थी, कब तक, जब तक ये स्कूल में था, यानी कि जब तक ये स्कूल शुरू नहीं किया था तब तक मैं ही केवल उसका दोस्त थी। कौन कहती है ये, तो इब्राइट की माँ कहती है। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। देखिए क्या कहता है कि जब तक वो स्कूल ज्वाइन नहीं किया था तब तक उसका दोस्त मैं ही थी, उसकी माँ कहती है, लेकिन जब उसका जब वो स्कूल ज्वाइन कर लिया तो वो अपने घर अपने दोस्तों को लेकर आया करता था और उसके साथ में बातचीत किया करता था, बैठ के खेला करता था। बट एट द नाइट, लेकिन रात में क्या होता था, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। देखिए क्या कहती है उसकी माँ, कहती है कि लेकिन जब रात होता था तो हम और ब्राइट जो थे ये दोनों साथ मिल करके ही काम को करते थे, ठीक है। और देखिए क्या कहता है, कहता है रिची वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डेड व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड। देखिए क्या कहता है कि जब रिची यानी कि रिचार्ड इब्राइट जो थे वो जब तीसरा क्लास में थे, तीसरी क्लास में, ठीक है, तभी उसके पिता का मौत हो गया। और उसका मौत होने के बाद, ठीक है, यही रिची, रिची मतलब यहाँ पे वही रिचार्ड इब्राइट, ठीक है, ये जो था पूरी जिंदगी बन गया किसका, अपनी माँ का, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सी हैड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। यानी कि ये जो इब्राइट है वो और उसकी माँ दोनों जो थे वो हमेशा देखिए ज़्यादातर डाइनिंग रूम में ही गुजारते थे अपना समय, ठीक है, जो वहाँ एक टेबल था उसके ऊपर बैठ के गुजारते थे, ठीक है। इफ़ ही हैडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर अगर इब्राइट के पास कुछ काम नहीं होता था करने के लिए तो उसकी माँ जो थी, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, उसकी माँ जो थी उसके लिए काम ढूंढा करती थी। एंड नॉट फिजिकल वर्क, उसको शारीरिक काम नहीं देती थी, जो कठिन काम नहीं देती थी, बल्कि बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन उसको सीखने वाला काम देती थी जिससे उसको सीख मिले, ठीक है। उसकी माँ ऐसा ऐसा उसका मदद करती थी। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट एंड ही वांटेड टू लर्न। देखिए क्या कहता है, कहता है कि ये जो इब्राइट था, ठीक है, ये लड़का जो था ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था और वह इस काम को पसंद करता था। जब कोई नई नई चीज़ों को मैं सिखाती थी उसे तो वो सीखना पसंद करता था। एंड लर्न ही, देखिए एंड लर्न ही डिड एंड ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। जितना कुछ वह सीखता था उन सारे चीज़ों के मदद से वह अपने स्कूल में टॉप ग्रेड्स प्राप्त करता था, यानी कि एकदम सबसे ज़्यादा नंबर लाता था और फर्स्ट रैंक में आता था। ऑन एवरी डे थिंग्स, देखिए ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। देखिए उसकी माँ कहती है, ब्राइट का माँ कहती है, ठीक है, कि ये जो लड़का है, ठीक है, ये लड़का और बच्चों से अलग नहीं है, बल्कि ये बच्चा सेम वही बच्चा लोगों के जैसा ही है, ठीक है। जिस तरह से वो बच्चे खाना पीने का सामान जिस तरह से पसंद करते हैं उसी तरह से ये बच्चा भी मेरा उसी तरह का खाना खाना पीना पसंद करता है, यानी कि ब्राइट के बारे में उसका माँ कह रही है। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो सेकेंड ग्रेड में पहुँच गया, दूसरी क्लास में, ठीक है, देखिए उसकी माँ कहती है कि जब वो दूसरी क्लास पहुँच गया, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। देखिए इब्राइट के बारे में कहती है कि जब वो दूसरी क्लास में पहुँच गया, ठीक है, तो उसने देखिए टोटल 25 का मतलब समझते हैं दोस्तों 25, ठीक है, 25 तरह के स्पीसीज का मतलब प्रजातियां, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा वर्ड मीनिंग इसका, देखिए प्रजातियां,
तो दोस्तों ये जो इब्राइट था, इब्राइट ने टोटल 25 तरह की तितलियों को जमा कर लिया था जो कि उसके होम टाउन में उड़ते थे। ठीक है, उन तितलियों को पकड़ के वो अपने पास रख लेता था। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द बुक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए इतना बाकी था। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड, बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रेंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ द मोनार्क। देखिए क्या कहता है ये जो इब्राइट है, वो कहता है कि वो जो 25 तितलियों को मैंने पकड़ा था, 25 तरह का, ठीक है, 25 प्रजाति का, मेरा हमको लगा था कि मेरा खोज जो है वहीं पर समाप्त हुआ अब, ठीक है, लेकिन तभी तक क्या होता है कि मेरी माँ मुझे एक किताब ला के देती है, जो किताब का नाम देखिए क्या था, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, यानी कि ये एक किताब ला के दी उसकी माँ, जिसमें, ठीक है, मोनार्क एक्स का मतलब देखिए क्या होता है, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा, और मोनार्क एक्स का मतलब है, मोनार्क मतलब तितली का एक प्रजाति होता है, और उसी प्रजाति का एक्स नाम का एक होता है, ठीक है, तितली, उस तितली का जो यात्रा होता है उसी यात्रा के बारे में किताब था। एंड दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और इस किताब में ये लिखा हुआ था कि ये मोनार्क एक्स नाम का जो तितली है, ठीक है, वो सेंट्रल अमेरिका यानी कि अमेरिका का केंद्रीय हिस्सा में कैसे उड़ के स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि माइग्रेट हो जाता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, यानी कि पेंसिल्वानिया से, ठीक है, कैसे तितलियां उड़ उड़ के, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका की ओर चली जाती है। उस किताब में यही सारा चीज़ लिखा हुआ था। ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और ये जो लड़का था, अब इस लड़के के अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ गया इस चीज़ का कि अब हम जो है और तितलियों को जमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस किताब के मिल जाने के कारण, ठीक है, इब्राइट का जो था हौसला और ज़्यादा बढ़ा। एट द एंड ऑफ द बुक, लेकिन जब वो किताब को पढ़ते पढ़ते खत्म करता था तो देखिए वहां पे क्या लिखा रहता था, रीडर्स वेयर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। यानी कि उस किताब के पीछे जब सबसे एकदम आखिरी पन्ना पर लिखा हुआ रहता था कि जो भी इस किताब को पढ़ रहा है उस व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को, ठीक है, तितलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, माइग्रेशंस यानी कि कैसे तितलियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहिए हर किसी को। दे वेयर आस्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि जितनी सारी तितलियां आप, अगर मान लीजिए वो किताब को आप पढ़ें और उस किताब में जितनी, उस किताब को पढ़ने के बाद आपने क्या किया कि तितलियों को पकड़ा, ठीक है, और तितलियों के पकड़ने के बाद क्या किया कि उस तितली के ऊपर टैग लगा दिए। टैग मतलब कि जिस तरह से आप देखे होंगे इधर के गाय भैंस जो होते हैं उनके कानों में एक बाइफ नाम का एक टैग लगा रहता है पीला कलर का छेद करके, ठीक है, उसी तरह से जितनी भी सारी तितलियां पकड़ी पकड़ी जाए आपसे, उन सारे तितलियों को आप क्या करें कि उनके पंख के ऊपर, ठीक है, टैग लगा दें, अपना एक निशान लगा दें या तो एक फित्ता लगा दें, जिसके जरिए क्या होगा कि वो तितली जब उड़ के पहुंचेगा उधर सेंट्रल अमेरिका तरफ, ठीक है, तो वहां का जो रिसर्च सेंटर में जो साइंटिस्ट है, ठीक है, वो साइंटिस्ट क्या करेगा, उन तितलियों को पकड़ के उसके बारे में रिसर्च करेगा। देखिए दोस्तों क्या होता है आगे, टू देखिए देखिए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोनाटो कैनेडा, यानी कि विराइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर, देखिए अर्कहार्ट, एंड सून ए ब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट विद अधेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द मोनार्क्स। यानी कि इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, उस किताब में जो भी कुछ लिखा हुआ था कि आप अगर इस किताब को पढ़ चुके हैं तो इस तितलियों के ऊपर अपना अपना निशान लगाना शुरू करें, और उस निशान के जरिए जो है, ठीक है, हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं तितलियों का, ठीक है, तो हम हमारा मदद करें इस चीज़ में। तो देखिए वो जो इब्राइट था उसकी माँ ने, ठीक है, उस वहाँ का जो मेन व्यक्ति जो थे, ठीक है, डॉक्टर अर्क हार्ट, ठीक है, उसको एक चिट्ठी लिखती है और उसको बताती है कि ठीक है हम लोग जो है यहाँ से भेजने वाले हैं, अधेसिव टैग्स लगाएंगे, यानी कि उसके पंख के ऊपर हम लोग अधेसिव यानी कि कुछ लिक्विड टाइप का उसके पंख के ऊपर कलर कर देंगे और उन तितलियों को उड़ा दिया करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो तितली उड़ के जब आपके पास पहुँचेगी तो आप क्या करिएगा, उसका करिएगा जो भी कुछ रिसर्च करना है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लास्ट समर। देखिए वो दिन आ गया है, ठीक है, गर्मी का मौसम आ चुका है और इस गर्मी का मौसम में ही तितलियों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फूल वगैरह से वो जो है रस वगैरह चूसने के लिए आते हैं, है ना। तो देखिए ये जो सीजन था, ये सीजन जो था अब आ चुका था, और देखिए इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। देखिए क्या कहता है ये ब्राइट, कहता है कि अगर आप एक तितली, अगर एक एक करके सारा तितली को पकड़ने का कोशिश करेंगे तो उन तितलियों के पीछे आप दौड़ते रह जाएंगे, लेकिन एक भी तितली आप नहीं पकड़ पाएंगे, यानी कि एक भी नहीं मतलब ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे आप।
अगर एक एक तितली के पीछे दौड़ेंगे आप तो ज्यादा तितली आप नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स एंड रेज देम इन द इन हीज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। देखिए दोस्तों क्या है, इब्राइट जो अपना दिमाग लगाता है, ठीक है, और अपना दिमाग कैसे लगाता है वो देखिए, वो सोचता है कि एक एक तितलियों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए वो एक फीमेल, ठीक है, फीमेल तितली को पकड़ता है, यानी कि एक लड़की जाति का तितली को पकड़ता है और सोचता है कि वो तितली जब अंडा देगा तो उस तितली का अंडा से ही जितना सारा तितली बनेगा वो सारा तितली को हम पकड़ लेंगे एक ही साथ, ठीक है। ये अच्छा सा दिमाग लगाया दोस्तों। आगे देखिए क्या कहता है, अब देखिए, देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उसके बाद उन तितलियों का ऊपर, उन तितलियों से जब अंडा से जब तितली बाहर आएगा, ठीक है, तो उन तितलियों के पंख के ऊपर टैग लगा देगा, अपना एडहेसिव टैग, यानी कि कोई लिक्विड से रंग देगा और उसको छोड़ देगा, और वो तितली उड़ के फिर कहाँ पहुँच जाएगा, सेंट्रल अमेरिका। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, इवेंचुअली आई, देखिए, आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। लेकिन बहुत ही, देखिए पहले तो शुरुआत में मैंने, देखिए इब्राइट कहता है कि कुछ समय तक मैंने जो है तितलियों के पंख के ऊपर बहुत ज़्यादा एडहेसिव लगाया, यानी कि बहुत ज़्यादा कलर वगैरह करके मैंने उसे उड़ाया, लेकिन इट्स टीडियस, ये लेकिन ये जो था अब धीरे धीरे मुझे बेकार का काम लगने लगा था, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और अच्छा खासा फीडबैक नहीं मिलता था, अच्छा खासा मतलब कि उत्तर नहीं मिलता था लोगों के द्वारा, अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। इब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट एंड ही लाफ्ड, यानी कि जब भी मैं ये काम करता था, ठीक है, वो इब्राइट कहता है कि जब भी मैं ये काम करता था तितलियों के पंख के ऊपर, ठीक है, कलर लगाने का काम करता था, तो जो जिसके पास जाता था वो हंसता था, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों क्या होता है, ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टेक्ड वेयर रिकैप्चर्ड, केवल जितनी सारी तितलियों को मैंने उड़ाया था, ठीक है, रंग के उनके पंखों को, उन सारे में से मात्र दो ही तितली ऐसे थे जिनको पकड़ा गया था, रिकैप्चर किया गया था, यानी कि फिर से उनको पकड़ा गया था, ठीक है। एंड दे वेयर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव, लेकिन उन वो जो दो तितली जो पकड़े गए वो मेरे से 70 मील की दूरी में ही जाके पकड़े गए थे। दोस्तों आगे पढ़ते हैं, देखिए ये कहानी जो है ये बता रहा है किसी की खास लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। देन इन द देखिए देन इन द 7th grade ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड द कंट्री, देखिए कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट। देखिए दोस्तों क्या कहता है, जब वो 7वां क्लास पहुंच गया, कौन पहुंच गया, इब्राइट, ठीक है, 7th grade में पहुंच गया, यानी कि 7वां क्लास में जब पहुंच गया तब वह जो है रियल साइंस की दुनिया में एंट्री लिया, यानी कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है उसको पता चला कि क्या होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों वह एक मेला में गया, साइंस फेयर में गया, यानी कि विज्ञान का मेला में गया, और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर वो हार गया, जितना भी कुछ ये रिसर्च किया था वो सारी चीज़ों को वहाँ पर वो हार गया, यानी कि उन सारी चीज़ों में से किसी में भी वो जीत नहीं सका और कोई भी अवार्ड वो प्राप्त नहीं कर सका। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सीट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग। देखिए वहाँ पर, ठीक है, यानी कि उस विज्ञान का मेला में जा कर के ऐसे ही चुपचाप बैठे रहना और कुछ भी चीज़ों में ना जीतना, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक वाला काम था, ठीक है, क्योंकि जितना सारा लोग था, सारे लोग कुछ ना कुछ वहाँ पर जीते थे। इब्राइट सेड, आगे देखिए क्या कहता है, हीज इंट्री वॉज स्लाइड्स, देखिए हीज इंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। देखिए क्या कहता है कि ये इब्राइट जो उस मेला में गया था, उस मेला में वो क्या लेके गया था, तो मेढक की, देखिए फ्रॉग टिश्यू, यानी कि मेढक का जो कोशिकाएं होती है, टिश्यू होती है कोशिकाएं, वही कोशिकाओं को लेकर के वो गया था, और वो दिखाता है देखिए किसी से, विच ही सॉड अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है, और उस इब्राइट ने, ठीक है, लोगों को, ठीक है, उस मेढक का कोशिका को दिखाया लोगों को किस चीज़ से, माइक्रोस्कोप के जरिए, कि देखिए मेढक का जो कोशिका होता है वो कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में वो दिखाया था लेकिन वो कुछ खास नहीं था लोगों के लिए। ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। इब्राइट को महसूस होता है कि मैंने ये जो मेढक का जो कोशिका को लोगों को दिखाया है ये कुछ खास नहीं है, लेकिन जितने सारे लोग हैं, जो सारे लोगों ने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं, एकदम रियल एक्सपेरिमेंट किए हैं, वास्तविक वाला प्रयोग किए हैं, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, यह जो है मेरा मेढक वाला कोशिका यह जो है उतना ज़्यादा खास नहीं है। ऑलरेडी द कंपेटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइट वॉज अपीयरिंग एंड आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट। देखिए ये जो है इब्राइट कहता है कि इस साल तो मैं हार गया, लेकिन मैं अगला बार मुझे पता है कि मैं अगला बार बहुत ही ज़्यादा कड़ा मेहनत करने वाला हूँ और वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ही सेड एंड
द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क एंड आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। देखिए क्या कहता है वो इब्राइट, कहता है कि इस बार अगले बार का जो मेला लगेगा साइंस फेयर, उस मेला में जीतने वाला व्यक्ति मैं ही हूँगा, लेकिन कैसे, ठीक है, लेकिन कैसे होगा वो उसको समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। तो देखिए होता क्या है, ठीक है, सो ही रॉट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़। देखिए इसको तो समझ में नहीं आया था कि कैसे इस कंपटीशन को जीता जाए, कैसे उस विज्ञान का मेला में जीता जाए। इसलिए देखिए दोस्तों क्या होता है कि वो जो था इब्राइट जो था, उसने अच्छे अच्छे आइडियाज़ प्राप्त करने के लिए उसने चिट्ठी लिखा। किसको लिखा? डॉक्टर अर्कहार्ट को। यह अर्कहार्ट कौन था? जो किताब लिखा था, समझ में आया दोस्तों, जो किताब को वो पढ़ा था उसी अर्कहार्ट को चिट्ठी लिखता है। एंड बैक कम, देखिए एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ द सजेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। और अर्कहार्ट ने, डॉक्टर अर्कहार्ट ने, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करने के बहुत सारे तरीके इसको वापस चिट्ठी के रूप में भेजा। दोस कैप्ट इब्राइट, देखिए इब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब डॉक्टर अर्कहार्ट ने उसको आइडियाज़ दिया, ठीक है, काम करने का आइडियाज़ दिया, ठीक है, कि कैसे अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इन सारे चीज़ों का जब आइडियाज़ दिया, ठीक है, तो वो पूरा स्कूल लाइफ यानी कि क्लास 10 से 12 तक का पूरा एकदम जो ये साल था, पूरा साल वो बिजी रहा रिसर्च करने में। और रिसर्च करने का फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि वो अपना स्कूल में प्राइज जीता, पूरा कंट्री से और इंटरनेशनल अवार्ड्स को भी जीता। इंटरनेशनल फेयर जो होता है, साइंस फेयर यानी कि पूरी विश्व का जो विज्ञान का मेला होता है, उस मेला में भी जा करके ये जीता। कहने का मतलब ये दोस्तों कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहा। आगे देखिए दोस्तों क्या होता है, फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट इब्राइट ट्राई टू फाइंड द काउज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। देखिए दोस्तों अब जब वो 8वां क्लास पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? 8वां क्लास, ठीक है, 8वां क्लास जब वो पहुंच गया इब्राइट, ठीक है, तब उसके पास अब एक नया काम आ गया। और वो काम क्या था कि इसका दिमाग में आया एक बात कि ऐसा कौन सा वायरल डिजीज है, ऐसा कौन सा मतलब कि बीमारी है, वायरल डिजीज है यानी कि हवा से फैलने वाला ऐसा कौन सा बीमारी है, ठीक है, जो मोनार्क को, मोनार्क कैटरपिलर को यानी कि जो मोनार्क जो तितलियां हैं, उन तितलियों का जो कैटरपिलर यानी कि उनके जो अंडे होते हैं उनको मार देता है, ऐसा कौन सा ऐसा बीमारी है इस हवा में, जिस बीमारी के कारण, ठीक है, जिन बैक्टीरियाज के कारण, ठीक है, ये मोनार्क नाम का जो तितली है उसका अंडा में जो कैटरपिलर जो अंडे होते हैं वो सारे मारे जाते हैं हर साल, ऐसा क्या है। तो इब्राइट थॉट दैट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल एंड ही ट्राइड राइजिंग, देखिए रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स एंड आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड सॉट देम आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि इस व्यक्ति के द्वारा यानी कि इब्राइट के द्वारा, इब्राइट जो था खोज करना शुरू किया कि आखिर वैसा कौन सा वायरल डिजीज है, ठीक है, ऐसा वायरल डिजीज है यानी कि हवा में फैलने वाला बीमारी है, डिजीज का मतलब बीमारी होता है दोस्तों, कि उसने खोज करना शुरू किया कि आखिर ऐसा कौन सा डिजीज है जिस डिजीज के कारण, ठीक है, तितली के जो बच्चे होते हैं वो सारे मारे जाते हैं, ऐसा कौन सा है। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो बात उसका दिमाग में आके छा गया, एकदम पूरा फिट हो गया, तब इब्राइट जो था एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से खोज करना शुरू कर दिया और इस टाइम उसके पास ठीक है अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन फिर भी देखिए अच्छे रिजल्ट नहीं आए, डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, वो बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन बाद में उसने क्या किया कि वो धीरे धीरे कोशिश करता रहा और फिर से एक्सपेरिमेंट करता रहा कंटिन्यू, और आखिरी में क्या हुआ, दिस टाइम आई वॉन, और आखिरी में वो जीत गया। समझ में आया दोस्तों। आगे देखिए, द नेक्स्ट ईयर इन हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट विक्ट्री, देखिए दैट वाइजरी, यहाँ तक पढ़ते हैं दोस्तों, कल एक न्यू वीडियो बनाएंगे कल हम, जिस वीडियो में हम यहाँ से इसके आगे पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो आज इतना ही पढ़िए। और ये सारे वर्ड विनिंग जो है यहाँ पे आप इसे अपने अपने कॉपी में नोट करिए, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, आप इसे पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी कल मुझे अपलोड करना है, तो मैं देखता हूँ कहाँ तक हो पाता है दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके सारे दोस्त जो हैं इसका फ़ायदा उठा सके और आप भी उठा सके। तो दोस्तों दैट्स ऑल, थैंक यू।